आप सभी सही सुजनों को सदर नमस्कार। मैं चार लंकेश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं के न्यूज के अधिकांश पेज के, जिसका नाम है उपाय कल के में। ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत ही अनोखी विधा है, इसका नाम है मूलांक। उसके माध्यम से उन उपायों का सृजन किया जाता है जिनके करने से आप अपने आने वाले कल को बहुत ही सुमधुर एवं सुसंगठित बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अंकों के इस अद्भुत खेल को, मूलांक एक के जातकों। मूलांक एक के जातकों, प्रातः काल आपको हनुमान जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस का दान करना है। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। इन उपायों को करने से मूलांक एक के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही सुमधुर बना पाएंगे। श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक दो के जातकों के बारे में। मूलांक दो के जातकों, प्रातः काल अपनी बहन जी को आप कोई शिक्षा की सामग्री दान करें। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप अपने घर की पश्चिम दिशा में हल्दी रखें। इन उपायों को करने से मूलांक दो के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे मूलांक तीन के जातकों के बारे में। मूलांक तीन के जातकों, प्रातः काल आप रोटी में हल्दी और थोड़ा सा दूध डालकर घर की छत पर रख दें ताकि पंछी उसे खा सके। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप अपने घर के लिए एक छोटी सी घड़ी खरीद कर ला सकते हैं। इन उपायों को करने से मूलांक तीन के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक चार के जातकों के बारे में। मूलांक चार के जातकों, प्रातः काल आप जल में कच्चा दूध और हल्दी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। इसी श्रृंखला में संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप किसी निर्जन स्थान पर अपने हाथ से कुछ लौंग डाल दें। इन उपायों को करने से मूलांक चार के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे मूलांक पांच के जातकों के बारे में। मूलांक पांच के जातकों, प्रातः काल आपको पीतल के लोटे में जल लेकर और उसमें कुछ फूल डाल दें और उसके पश्चात आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप घर आते समय बच्चों के लिए एक कहानी की पुस्तक साथ में लेकर के जरूर आएं। इन उपायों को करने से मूलांक पांच के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक छह के जातकों के बारे में। मूलांक छह के जातकों, प्रातः काल आप घर की उत्तरी दीवार पर हल्दी से ओम का चिन्ह बनाएं। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप रोटी पर शहद लगाकर कुत्तों को खिलाएं। इन उपायों को करने से मूलांक छह के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक सात के जातकों के बारे में। मूलांक सात के जातकों, प्रातः काल आप जल में गुलाब जल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय हनुमान जी के मंदिर में आपको बेला की माला चढ़ानी है। इन उपायों को करने से मूलांक सात के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक आठ के जातकों के बारे में। मूलांक आठ के जातकों, प्रातः काल आप हल्दी में रोली मिला लें और उसे किसी केले के पेड़ के नीचे रख दें। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप अपने घर के जल स्रोत पर थोड़ी सी चीनी रख दें। जल स्रोत मतलब जिस जल स्रोत से आप पानी पीते हैं, वो आरओ हो सकता है या रेगुलर वाटर हो सकता है, जहां पर भी आप पानी का स्रोत है वहां पर आप थोड़ी सी चीनी रख दें। इन उपायों को करने से मूलांक आठ के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। तो अब अंत में इंतजार खत्म हो रहा है, मूलांक नौ के जातकों। मूलांक नौ के जातकों, प्रातः काल आप अपनी भाभी माँ से कुछ धन लेकर के कहीं मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी का दान करें। इन उपायों को करने से मूलांक नौ के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। तो अब नंबर उनका आता है जिनके लिए है आज का दिन विशेष, यानी कि जिनका आज है जन्मदिन। आपको जन्मदिवस की कोटि 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 बधाई। आपका जन्मदिन आपके लिए विशेष हो, आपके लिए जन्मदिन का एक आशीर्वाद। जीवेत वर्षतम शतम कर्मण्ये निर्विघ्नः। आइए अब जानते हैं किन उपायों को करने से आप वर्ष भर प्रसन्न रहेंगे, वर्ष भर प्रगति के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे, सफलता आपके द्वार पर होगी। तो क्या उपाय आपको करना है प्रातः काल? सर्वप्रथम आप सुबह सुबह माता पिता गुरु और प्रभु जी को प्रणाम कर लें। उसके बाद आपको पीपल का एक वृक्ष लगाना है। संध्या काल का उपाय आपसे क्या कहता है? संध्या काल के समय
आप किसी अनाथाश्रम में चले जाएं, वहां पर अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ किसी अनाथालय में जाएं, वहां पर जाकर के आप कुछ भोजन का प्रबंध कर दें, यानी कि उन बच्चों का भी आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। इन उपायों को करने से आप वर्ष भर प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में उन्नति हमेशा बनी रहेगी। तो एक बार पुनः आपको जन्म दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये तो थे उपाय कल के, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। मैं आचार्य लंकेश आप सभी से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सभी स्नेह सभी को सादर नमस्कार।